we are doing independent sample t test and previously we have learned um, how to do calculate t value uh, manually and test the hypothesis through t test um, putting the values in the formula and then interpreting the values uh, now moving forward we will do the same in spss it takes few seconds but yes there are few certain things we need to know and learn um, especially how to enter the data in spss so let's start and do um a t test independent sample t test in spss so first of all we will enter the data in spss when we open spss it opens a blank data sheet like this so you remember the previous example that was like soccer player and swimmers and we wanted to see a uh, neurological test ke upa, unki responses the, test scores the, and we want to compare kya unki, uh, performance on that test is different सो लेट्स एंटर द डेटा सो पहला इसमें डेटा डालने के लिए यू रिमेंबर कि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं लेकिन उन दोनों ग्रुप्स का डेटा हम एक ही कॉलम में डालेंगे सो so पहले हमारे पास स्विमर्स थे और उनका हमारे पास जो स्कोर था वो था टेन एट सेवन एट थर्टीन सेवन सिक्स एंड ट्वेल्व सो दीज वर स्विमर्स सो हम इनके आगे ग्रुप वन कर लेंगे सो स्विमर्स आर आइडेंटिफाइड एज वन और हमारे पास दूसरा ग्रुप था सॉकर प्लेयर्स का सो अगेन सॉकर प्लेयर्स का भी डेटा इसी में आएगा बिकॉज दिस वेरिएबल विल रिप्रेजेंट स्कोर्स ऑन दैट न्यूरोलॉजिकल टेस्ट सो दूसरे ग्रुप का हमारे पास जो स्कोर्स था वो था सेवन फोर नाइन थ्री एंड सेवन तो हमारे पास टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट लोग जो थे वो स्विमर ग्रुप में थे और फाइव लोग हमारे पास um, सॉकर ग्रुप में थे तो so हमने सॉकर ग्रुप्स को हमने कोडिंग करके टू दे दी वैल्यू सो आई यू रिमेंबर के हमने शुरू में बात की थी कि एस पी एस एस विल अंडरस्टैंड नंबर्स ओनली इट विल नॉट टेक एनी वर्ड एनी लेटर बल्कि इसमें आपने लेवल ऑफ मेजरमेंट बताना है कि नंबर्स का क्या है तो इफ़ दिस वेरिएबल्स आर ग्रूप एंड वन इज़ आर रिप्रेजेंटिंग स्विमर्स एंड टू इज़ रिप्रेजेंटिंग सॉकअप प्लेयर्स इसका मतलब है कि ये हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल है और ये हमारा नॉमिनल स्केल के ऊपर डेटा है सो यू विल गो टू द वेरिएबल व्यू और यहाँ पर हम एस पी एस एस को बताएंगे कि किस वेरिएबल का लेवल ऑफ मेयरमेंट क्या है सो so पहले वेरिएबल में हमने इसको तो नाम देंगे हमने स्कोरस एड किए हैं तो स्कोरस हम कर देंगे सो so ये नुमरिक वेरिएबल है लीव इट लाइक दिस ये बाय डिफ़ॉल्ट विथ होती है विर्थ का मतलब है कि आप कितने लेटर्स टाइप कर सकते हैं यू कैन इंक्रीज़ इट और यू कैन डिक्रीज़ इट एज पर डिफ़ॉल्ट में आठ है तो उसको आठ ही रहने दें डेसिमल्स बाई डिफ़ॉल्ट टू वैल्यूज़ तक लेता है समटाइम्स यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम बहुत लंबा नहीं ऐड कर सकते दूसरा ये कि इसमें यह स्पेस नहीं लेता अगर आप स्कोर्स ऑन करेंगे तो वो नहीं करेगा लेकिन लेबल के अंदर आप जितना लंबा चाहें उसका टाइटल दे सकते हैं जैसे आप ये कर सकते हैं स्कोर्स ऑन जिकल टेस्ट वैल्यूज नीचे जाके हम देते हैं इसको और ये हमारा लेवल ऑफ मेयरमेंट है उसको हमने कंप्यूटर को बताना है कि ये हमारा नोमेरिक वेरिएबल है ये रनिंग स्कोर है इट्स अ कंटिन्यूस वेरिएबल सो वी विल टेल एस पी एस एस के कंसिडर दम एज अ स्केल विच मीन दस अ इंटरवल स्केल विच मीज दुमेरिकल डेटा विच मीन अ कंटिन्यूस स्कोर दूसरा वेरिएबल हमारा जो है वो ग्रुप्स है राइट तो ग्रुप्स का मतलब है कि हमारे पास टू ग्रूप्स थे और उनमें से एक सॉकर था हमने उसको नंबर ही दिए हैं यहां पर भी आप जितना लंबा चाहे नाम ऐड कर सकते हैं लेकिन ये वैल्यूज के कॉलम के अंदर यू हैव टू गो एंड टेल एस पी एस एस के वन का मतलब है स्विमर्स एड करें और टू का मतलब है सॉकर प्लेयर्स एड करेंगे ओके okay करेंगे नाउ कंप्यूटर नोस के वन और टू का मतलब क्या है यानी वन और टू नुमरिकल डेटा नहीं है जिसमें टू इज़ ग्रेटर देन वन राधा हम जहाँ जाके बताएंगे कि उसका लेवल ऑफ मेजरमेंट जो है वो नॉमिनल है यानी नंबर्स आर जस्ट टू आइडेंटिफाई द कैटेगरीज राइट सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप पुटिंग डेटा एंड देन लेबलिंग इट प्रॉपरली टेलिंग एस पी एस ए स्विच वेरिएबल इज़ वॉट इसके अंदर ये हमें स्विमर्स और सॉकर प्लेयर्स का दे रहा है लेकिन अगर आप इसको कहेंगे कि हमें uh, नंबर्स दिखाएँ तो आप इसमें व्यू में, में जाके आप इसके वैल्यू लेबल्स को अनचेक करेंगे तो वो वन टू वन टू आ जाएगा लेकिन इफ़ यू वांट टू सी कि वो uh, क्या है एक्चुअली तो वो एक्जैक्टली exactly आपको uh, उसके लेबल्स दे देगा सो नाउ रनिंग इंडिपेंडेंट साम्पल टी टेस्ट यू विल गो टू एनालाइज मेन्यू देन यू विल गो टू कम्पेयर मीन्स एंड देन यू विल हिट इंडिपेंडेंट सेम्पल टी टेस्ट जब आप इंडिपेंडेंट साम्पल टी टेस्ट करेंगे तो आप टेस्ट वेरिएबल के अंदर अपना डिपेंडेंट वेरिएबल भेजेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा टी टेस्ट के लिए हमारा कंटिन्यूस रनिंग स्कोर इंटरवल स्केल्ड वेरिएबल होगा जो कि हमारे स्कोर्स हैं दूसरा हमारा है ग्रुपिंग वेरिएबल जो कि हमेशा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरी का मतलब है कि हम जानना चाहते हैं कि सॉकर और स्विमर्स के अंदर क्या फ़र्क है परफॉर्मेंस के अंदर टेस्ट के ऊपर तो so, हम ग्रुपिंग वेरिएबल वही जो हमने ग्रुप्स के नाम दिए हैं वो विल सेंड इट सेंडर लेकिन रिमेंबर के अगेन यू हैव टू डिफ़ाइन द ग्रुप्स हेयर इसमें आपने बताना है कि ग्रुप वन है और फिर वो स्विमर्स हैं उसको ऑलरेडी कंप्यूटर को पता है और फिर हम इसको बताएंगे ग्रुप टू इधर एक कट uh, पॉइंट भी दिया हुआ है समटाइम्स आपका डेटा रनिंग स्कोर में होता है राइट right? लेकिन आप उसमें टी टेस्ट रन करना है बस मैंने इनकम ली हुई है सारे लोगों से पूछी हुई है कि उनकी इनकम कितनी है सो so किसी ने मुझे बताई हुई है सिक्सटी किसी ने थर्टी किसी ने सेवेंटी सो so, अगर मैं यहाँ पे कट पॉइंट दे दूँ कि जी फिफ्टी थाउजेंड से नीचे वालों को वन ग्रुप कर दे और फिफ्टी थाउजेंड से ऊपर वालों को टू कर दे और कंपेयर करे कि क्या इनकम ग्रुप का कोई इफेक्ट है मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर तो इट इट ऑटोमेटिकली कैन कोड एनी कंटिन्यूस वेरिएबल इन टू द कैटेगोरिकल वेरिएबल टू फिट द डेटा फॉर इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट इसको बाद में हम uh, मजीद भी बात करेंगे बट स्टिल अभी हमारे पास वेरिएबल्स क्लियर हैं हमने एंटर कर दी यहाँ पे ऑप्शंस में अगर आप जाएंगे तो ये नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इन टर्वल कैलकुलेट करता है इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दें एक्सक्लूड केसेस एनालिसिस बाय एनालिसिस बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन चेकड होती है विच इज़ राइट क्योंकि अगर आप एक्सक्लूड केसेज लिस्ट वाइज करेंगे तो जितनी भी मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं वो पूरी की पूरी मसल अगर फ़र्ज करें ये हमारा एक सब्जेक्ट है यहाँ पर और वो मिसिंग डेटा है वो पूरी की पूरी रो जो है वो स्किप uh, कर देगा इससे हमारे पास डेटा साइज बहुत कम रह जाता है अगर हम एक्सक्लूड केसेस लिस्ट वाइज करें सो एक्सक्लूड केसेस एनालिसिस बाय एनालिसिस करके इट्स डिफॉल्ट इसको ऐसे ही रहने दें बूस्ट आप करने की जरूरत नहीं है दैट्स आई थिंक इनफ वी विल हिट द ओके बटन एंड हेयर इज द एस पी एस एस आउटपुट सो आउटपुट के अंदर ये मेरे मेरी एनालिसिस पहले के हुए हैं लेट मी डिलीट दम सो टी टेस्ट के अंदर वो आपको ये दो टेबल्स देता है बेसिकली इन दो टेबल्स में पहला टेबल ग्रुप स्टेटिस्टिक्स का है जिसमें वो स्कोर्स ऑन नमेरिकल टेस्ट के ऊपर आपका दे रहा है कि स्विमर्स का कितना स्कोर है एवरेज एट पॉइंट एट सेवन है विद द स्टैंडर्ड डिवियशन टू पॉइंट फाइव थ्री एंड विद द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीनज पॉइंट एट नाइन फाइव वन एट राइट सो हमें यह पता है कि हमने स्टैंडर्ड एरर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट करके कैलकुलेट की थी और या फिर हमने पोल्ड वेरियंस करके इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट साम्पल के लिए की थी लेकिन

और उन एजाम्पन्स को कैसे हम चेक करते हैं एस पी एस एस के अंदर तो टी टेस्ट इंडिपेंडेंट सैम्पल के लिए वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजाम्पशन होमोजनाइटी ऑफ वेरियंट्स है जो मैंने पहले भी बात की थी कि अगर हम दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारी वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए यानी वो दो ग्रुप्स ऑलरेडी उनका अंदर वेरियंट्स जो है वो बहुत डिफरेंट नहीं होना चाहिए सो हम इक्वल वेरियंस रज्यूम करने के लिए लेवंस टेस्ट इधर रन करते हैं तो लेवंस टेस्ट हमें बताता है कि क्या ई होमोजनाइटी ऑफ वेरिएंस की एजाम्पशन मीट हो रही है कि नहीं हो रही तो यहाँ पे ये टेस्ट वैल्यू है और यहाँ पे उसका सिग्निफिकेंट लेवल है ऑलवेज़ रिमेंबर कि जब भी कोई चीज़ हमारी सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा नल हाइपोथिस एक्सेप्ट हो जाता है सो so, हमारा यहाँ पे नल हाइपोथसिस ये होगा कि वेरियंस वन इज़ इक्वल टू वेरियंस टू राइट तो ये हमारी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट होनी चाहिए अगर हमारी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब है कि हम नाल हाइपोथिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते यानी रिजल्ट नॉन सिग्निफिकेंट हैं और नाल हाइपोथिस हमेशा ये स्टेट करता है कि वेरियंट्स वन इज़ इक्वल टू वेरियंस टू एंड दैट्स एक्चुअली वट वी वॉन्ट कि बोथ ग्रुप्स के अंदर वेरिएबिलिटी और वेरियंस जो है दैट इज इक्वल सो हमारी एजम्पन मीट हो रही है होमो ऑफ वेरियंस की थ्रू लिविन टेस्ट बिकॉज द टेस्ट वैल्यू इज़ नॉन सिग्निफिकेंट इंडिकेटिंग दैट बोथ ग्रुप्स आर इक्वल वेरियंस समटाइम्स अगर हमारे पास ये वैल्यू सिग्निफिकेंट आ जाती है तो फिर हम टी की वैल्यू नीचे वाली रिपोर्ट करते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्वल वेरियंस नॉट इज्यूम्ड फिर हम ये वाली टी की वैल्यू रिपोर्ट करते हैं सो so फार आप देख लें कि हमारी एवं uh, टेस्ट की वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट है सो वी मीट द जम्पशन ऑफ होमोजनाइटी वेरियंस टी की वैल्यू टू है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इलेवन है यानी एट प्लस फाइव माइनस टू विच इज़ इलेवन और ये हमारी पॉइंट ज़ीरो सिक्स नाइन है अगर ये वैल्यूज सिग्निफिकेंट वैल्यू पॉइंट ज़ीरो फाइव से लेस होती तो हमारा रिजल्ट uh, सिग्निफिकेंट थे और हमारा जो है नल हाई रिजेक्ट हो जाना था लेकिन इस सूरत में बिकॉज इट इज़ स्लाइटली ग्रेटर देन पॉइंट ज़ीरो फ़ाइव सो वी फ़ेल टू रिजेक्ट द नल हाई बिकॉज द वैल्यू इज़ नॉट स्मॉलर देन पॉइंट जीरो फ़ाइव तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट डिफ्रेंसिस नहीं है इसके अंदर सो so, अभी हम आगे बताते हैं आपको कि इन वैल्यूज़ को आपने अपने थीसिस के अंदर या पेपर के अंदर रिपोर्ट कैसे करना है लेकिन दिस इज़ वी रन इंडिपेंडेंट सैम्पल थी टेस्ट इन एस एस